अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं रोल पट्टी, और इसके लिए हमें चाहिए मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको हम नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आटा हम लोगों का रेडी है, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे से। इस तरह हम लोगों ने अपने सारे छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। अब नेक्स्ट हम इनकी रोटियां बनाना शुरू करते हैं। हमने इससे रोटी बना ली छोटी सी। अब हम इस पे लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे मैदा। मैदा हमें ज्यादा सा इस पे स्प्रिंकल करना है कि इसमें रोटियां एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखें, दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। हमने अब इसके ऊपर फिर ऑयल लगाना है और मैदा हम लोगों ने स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। इसी तरह हम अपने सारी रोटियां बनाकर इस तरह ऊपर नीचे रखते रहेंगे। आप चाहें तो तीन बना लें, पांच बना लें, जितनी भी। ये देखें, सारी रोटियां हमने ऐसे ऊपर नीचे रख ली हैं। अब हमें इन्हें बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखें, इसकी हमने ऐसे बड़ी सी रोटी बना लेनी है। अब हम इसे तवे पर डालेंगे। ये देखिए, तवे पे हमने इसे डाल दिया है और इसको बहुत स्लो हमने कुक करना है। ज्यादा तेज आंच पर हमने इस रोटी को नहीं पकाना। ये देखें, हल्की सी एक तरफ से पक जाए तो मैंने इसे अब पलट दिया है। ये देखें, अब लग होना शुरू हो गई है। ये देखें, ऐसे सब रोटियां लग होना शुरू हो जाएंगी। ये पट्टियां, रोल पट्टियां से, ये देखें और ये देखें, बहुत इजी है, आप भी बनाइएगा। इस तरह हम लोगों ने अपनी सारी रोल पट्टी जो है वो निकाल लेनी है। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। अब हम बनाएंगे मसाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल पट्टी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अब हम बनाने लगे हैं चिकन वेजिटेबल रोल। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हमें चाहिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद हमें चाहिए गाजर, उबले हुए आलू, प्याज और सूखी शिमला मिर्च। ये है बंद गोभी, चिकन, थोड़ी सी मैंने ली है स्पेगेटीज और चाइना सॉल्ट और काली मिर्च, नमक और लहसुन और ऑयल। ये सब चीजें हम लोगों ने काट ली हैं और रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें बनाते हैं। बर्तन हम लोगों का गर्म हो गया है। फिर इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। अब हम इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और फिर चिकन अपनी डालेंगे। लहसुन ब्राउन हो गया था, अब हमने इसमें चिकन डाल दी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, इसमें इसको पका लेंगे। चिकन ने कलर बदल लिया है, अब ये पक रही है। थोड़ी देर के बाद हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। थोड़ी सी चिकन कुक करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च और चाइना सॉल्ट। तीनों चीजें हमने इसमें ऐड कर ली हैं।
चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और रेड वाली भी शिमला मिर्च। अब हम इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। थोड़ा सा शिमला मिर्च को कुक करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। अब थोड़ी देर इसे हम कुक करेंगे। बंद गोभी थोड़ी सी कुक करने के बाद, ज़्यादा नहीं करनी वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देती है। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, एंड फिर हम आलू और स्पैगेटीज हम लोग इसमें डाल देंगे। हम लोगों का रोल मसाला जो है वो रेडी है। बस हम इस थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे और ये तो एक डन है। देखिए चिकन वेजिटेबल रोल का मसाला हम लोगों का रेडी है। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाले को आप थोड़ा सा पहले ठंडा होने दें, फिर रोल बनाना स्टार्ट करें। ओके, रोल पट्टी मैंने साइडों से काट ली है। अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने थोड़ा सा ऐसे मैदा तैयार कर लिया है जिसे हम इसे बंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रोल पट्टी को मैंने चारों तरफ से इस तरह मैदा लगा लिया है और मसाला मैंने रख दिया है। अब हम इसे बंद करेंगे। इस तरह हम लोगों ने अपना सारे रोल्स बना लेने हैं और बंद कर लेने हैं। हम लोगों के चिकन वेजिटेबल रोल्स सब रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमने गरम होना रख दिया था। अब हम इसमें वेजिटेबल रोल्स डालते हैं एक एक करके। हमने ज़्यादा एकदम ऑयल गरम नहीं करना, बिल्कुल मीडियम रखना है। इस तरह हम सारे अपने चिकन वेजिटेबल रोल्स डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो रोल हम लोगों के फ्राई हो रहे हैं, इसी तरह इनको फ्राई करना है। ज़बरदस्त से हम लोगों के चिकन वेजिटेबल रोल रेडी हैं। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।